हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली किचन चैनल पर। और आज हम बनाने जाने वाले हैं पिज़्ज़ा पराठा। और इसके लिए हमें चाहिए चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, सीजनिंग या कोई भी आपके हर सो, थोड़ा नमक और आटा, प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न और गाजर। और आप जो आपके पास जो भी घर में सब्जी हो, कोई भी, हम इसको हम स्टफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया है और आटे को मैंने गूँथ लिया है। अब इसकी तैयारी, अब हम पिज़्ज़ा पराठे की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। जो ग्रेट की हुई सब्जियां हम एक बॉल में डालेंगे सारी, और जो भी आपके पास घर में सब्जियां हो वो सभी को सब कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यही हो, जो भी आपके पास हो सब्जियां वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, और थोड़ी सीजनिंग जो भी हर साथ के बाद अवेलेबल है, और थोड़ा ही नमक स्वाद के अनुसार डालना है इसमें, और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया और यम्मी लगने वाला है। ये मैंने पैन रख दिया है और इधर स्टफिंग भी तैयार है, और हम अब आटे की लोई लेकर इसके स्टफिंग भरेंगे और तैयार करते हैं इसको पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा पराठे के लिए। और ये स्टफिंग अब हम इस पराठे के अंदर हमने लोई तैयार कर दें। ये हमने बेल लिया है और इसके अंदर हमने स्टफिंग भर दिया, और उसके ऊपर से हमने मोज़रेला चीज़ लगा दिया है। और आप इसमें मोज़रेला चीज़ के अलावा और भी कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बेल लिया है और इसे अब हम पैन के ऊपर, जो मीडियम लो फ्लेम पे रखा हुआ है, इसे हम धीमी आँच पर पकाएँगे। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाना है, उसे ढक के रख देंगे हम। अभी ये करीब करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम पलट लेते हैं। अब एक तरफ सिक चुका है, दूसरी तरफ भी। अब इस पर हम ऑयल या बटर जो भी आप खाते हैं वो लगा लेते हैं इस पर, चाहे ऑयल लगाएं चाहे बटर लगाएं। अब ये करीब करीब हमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये बनके तैयार हो जाएगा। अभी इस पर मैंने दोनों तरफ तेल लगा दिया है, और अब हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं सिकते हुए पिज़्ज़ा पराठा को, और ये लगभग तैयार है। अब मैं इसे ये पिज़्ज़ा पराठा बन गया है, मैंने इसे सर्व कर दिया है, और इसे सॉस के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। और ये हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, इसमें सब तरह के मिक्स वेज के यूज़ किया गया है, और आटे का बना हुआ है, तो सब बच्चों के हेल्थ के लिए बढ़िया है और बड़ों के लिए बढ़िया है। इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और कोई ऐसी नई रेसिपी और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।